गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, आज हम एक पोएम पढ़ेंगे, ओ कैप्टन माई कैप्टन, जिसे लिखा है वाल्ट व्हिटमैन ने। इसमें कैप्टन कहा गया है अमेरिका के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन को। दोस्तों, अमेरिका में स्लेव्स यानी गुलामों को इंसान नहीं समझा जाता था। स्लेव्स के ऊपर बहुत अत्याचार किए जाते थे, लेकिन जब अब्राहम लिंकन अमेरिका के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने इस दास प्रथा को, जो गुलामों को बेचने तथा खरीदने की प्रथा थी, उसको खत्म कर दिया था। और इसी वजह से अमेरिका में दो ग्रुप्स बन गए। एक ग्रुप जो था वह अब्राहम लिंकन के साथ था और वे ये मानते थे कि इस प्रथा को खत्म करना चाहिए। वहीं एक दूसरा ग्रुप था जो अब्राहम लिंकन के विरुद्ध था और उनका मानना था कि स्लेव्स को बेचना व खरीदना जारी रखना चाहिए। और इसी वजह से अमेरिका में सिविल वार भी शुरू हो गया और अब्राहम लिंकन को जान से मार दिया गया। आई होप यहाँ तक बात क्लियर है और यह पोयम इसी पर बेस्ट है। तो आइए इसे आसान शब्दों में लाइन बाय लाइन समझते हैं। इस पोयम में अमेरिका को शिप संबोधित किया गया है तथा कैप्टन संबोधित किया गया है अब्राहम लिंकन को। तो आइए देखते हैं। ओ कैप्टन माई कैप्टन, आवर फियरफुल ट्रिप इज डन। ओ कप्तान मेरे कप्तान, हमारी खतरनाक समुद्री यात्रा समाप्त हो गई है। अर्थात गृह युद्ध समाप्त हो गया है। द शिप हैज वेदर्ड एवरी रैक। द शिप मतलब जहाज ने, वेदर्ड मतलब सामना किया है, रैक मतलब मुसीबत, जहाज ने हर एक मुसीबत का सामना किया है। द प्राइज वी सॉट इज वन, जो पुरस्कार हम लोग जीतना चाहते थे उसे हम लोग जीत चुके हैं। शॉट मतलब जीत चुके हैं, अर्थात जिस लक्ष्य को हमें पाना था उस लक्ष्य को हम पा चुके हैं। द पोर्ट इज नियर, बंदरगाह निकट है। द बेल्स आई हियर, और मुझे घंटियों की आवाज सुनाई देती है। द पीपल ऑल एक्सल्टिंग, और सभी लोग खुशियां मना रहे हैं। व्हाइल फॉलो आइज द स्टेडी कील, द वेसल ग्रीम एंड डेयरिंग, जबकि फॉलो आइज उत्सुक निगाहें, स्टेडी कील, स्टेडी मतलब मजबूत, कील बोलते हैं जो जहाज के नीचे वाला भाग होता है उसको कील बोलते हैं। आगे लिखा है फिर द वेसल मतलब जहाज के, ग्रीम एंड डेयरिंग, ग्रीम मतलब हो जाएगा भयानक एंड डेयरिंग मतलब साहसी। लोग उत्सुक निगाहों से इस भयानक तथा मजबूत जहाज को देख रहे हैं। बटू हॉट हॉट हॉट, लेकिन ओ हृदय हृदय हृदय, ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, मतलब खून की बूंदे जो है वह लाल लाल बह रही है। वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइस, जहां मेरा कप्तान पड़ा हुआ है, डेक मतलब जहाज के छत पर, फॉलन कोल्ड एंड डेड, जो ठंडा पड़ा हुआ है, एंड डेड मतलब मृत पड़ा हुआ है। ओ कैप्टन माई कैप्टन, राइज अप एंड हियर द बेल्स। ओ कप्तान मेरे कप्तान, उठो एंड हियर द बेल्स, और घंटियों की आवाज सुनो। राइज अप, उठो, फॉर यू द फ्लैग इज फ्लग, तुम्हारे लिए झंडा फहराया गया है। फॉर यू द बिगल टिल्स, और तुम्हारे लिए, बिगुल टिल्स मतलब बज रहे हैं, तुम्हारे लिए बिगुल बजाए जा रहे हैं। फॉर यू बुकेट्स एंड रिबन रेथ्स, तुम्हारे लिए लोग गुलदस्ते लिए हैं, रिबन रेथ मतलब फूलों की मालाएं लिए हैं। फॉर यू द सोर्स क्राउडिंग, तुम्हारे लिए समुद्र पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। फॉर यू दे कॉल, तुम्हें वो पुकार रहे हैं। द स्विंग मास मतलब लोग उत्सुक होकर के इधर उधर दौड़ रहे हैं और तुम्हें पुकार रहे हैं। देयर ईगर फेसेस टर्निंग हियर, देयर ईगर फेसेस टर्निंग, उनके उत्सुक चेहरे हम लोगों की तरफ मुड़े हुए हैं। हियर कैप्टन डियर फादर,
और फिर कभी कहता है कि यहाँ पर कप्तान डियर फादर मतलब मेरे पिता दिस आर्म बीनीथ योर हेड मेरी बाँह तुम्हारे सिर के नीचे है इट इज सम ड्रीम दैट ऑन द डेक यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड कभी कहता है कि क्या यह मेरा स्वप्न है कि जहाज के डेक मतलब छत पर तुम ठंडे तथा मृत पड़े हो माई कैप्टन डज नॉट आंसर मेरा कप्तान उत्तर नहीं देता है हिज लिप्स आर पैल एंड स्टील उसके होठ पीले तथा शांत पड़े हुए हैं माई फादर डज नॉट फील माई आर्म और मेरे पिता को मेरी बाह का भी ज्ञान नहीं है मेरे पिता को मेरी बाह का भी अनुभव नहीं है अर्थात वह महसूस नहीं कर पा रहा कि मेरी बाह उसके सिर के नीचे पड़ी हुई है ही हैज नो पल्स नॉर विल ना तो उसकी कोई पल्स मतलब धड़कन चल रही है और ना ही उसकी कोई इच्छा है द शिप इज एंकर्ड सेफ एंड साउंड जहाज सुरक्षित रूप से बंदरगाह में पहुंच गया है अर्थात गृह युद्ध समाप्ति की ओर पहुंच गया है इट्स ओएस क्लोज्ड एंड डन इसकी समुद्री यात्रा समाप्त हो चुकी है फ्रॉम फियरफुल ट्रिप इस भयानक यात्रा से द विक्टर शिप विजय जहाज कम्स इन विथ ऑब्जेक्ट वन उस उद्देश्य को जीत करके वापस आ रहा है अर्थात गृह युद्ध को हमने जीत लिया है एग्जल्ट ओ सोर्स कभी कहता है कि हे समुद्र के किनारे खड़े लोगों एग्जल्ट खुशियां मनाओ एंड रिंग्स ओ बेल्स और घंटियों तुम बजो बचाई लेकिन मैं विथ मॉर्नफुल ट्रेड शोकाकुल होकर के या दुखी होकर के ट्रेड इधर उधर जा रहा हूँ इधर उधर टहल रहा हूँ वॉक द डेक माई कैप्टन लाइज मैं जहाज के उस छत पे टहल रहा हूँ जहाँ पे मेरा कप्तान पड़ा हुआ है फॉलन कोल्ड एंड डेड ठंडा तथा मृत अर्थात जहाँ पे मेरा कप्तान ठंडा होकर के मृत पड़ा हुआ है वहाँ पे मैं दुखी होकर के इधर उधर टहल रहा हूँ